नीट विवाद से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और इस मसले में हर तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है, जैसा आदेश होगा उस हिसाब से सरकार काम करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद छात्रों ने जंतर मंतर पर अपना धरना समाप्त कर दिया, जो कि विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां पर मुलाकात की गई। हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपियर किए हैं, 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में, उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे वो उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं, कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया, उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन काल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद मेरे मतलब मूल समस्या समाप्त हुई। बाकी एक दो जगह पे कुछ एलिगेशंस आए हैं, उस पर वहाँ की स्थानीय एजेंसियाँ निगरानी भी रखी है। सर्वोपरि सारा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो भी दोषी हैं या जहाँ पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी उनके लिए क्या है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में और देश की जनता के सामने विनम्रता के साथ कहते हैं, 4,750 सेंटर्स में एक दो जगह की गड़बड़ियों के लिए व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल और सर, जो स्टूडेंट पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार की तरफ से कोई अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को आज भी मैंने विद्यार्थियों को मिला, कुछ विद्यार्थी आज आए थे, कुछ अभिभावक भी आए थे, उनको भी मैंने मिला, मैं उनको भी अनुरोध किया हूँ और आपके माध्यम से मैं देश की नीट से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहता हूँ, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है, ये एक सम्मानजनक परीक्षा हुई है, आप उस पर भरोसा रखिए। कुछ जगह की जो अनमोलिस ध्यान आई थी उसको ठीक कर दिया गया है, वो भी समस्या कम समय मिलने की समस्या था, हमको कम समय मिला, हमको समय पूरा दे दिया गया है, पुनः परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। समस्या जब सामने आती है इतना बड़ा देश में, हमने तो समाधान कर भी दिया है, प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी निश्चित रूप में ही। मैंने मेरे ख्याल से मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, आप भरोसा रखिए, सारा विषय सरकार आपको आश्वस्त करती है पारदर्शी तरीके से करने के लिए, उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो नीट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में भी यहाँ पर जांच पड़ताल की बात सामने आ रही है। पटना से लाइव चंद्रमोहन मेरे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, एक तरफ तो बिहार से एक बहुत बड़ी लीड मिली है, चाहे वो जला हुआ प्रश्न पत्र हो या फिर अब दूसरी खबर गोधरा से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी तरीके से कैसे पास कराया जाए, इसको लेकर करोड़ों रुपए मांगे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि किसी भी रूप में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार से जुड़ी हुई क्या खबर है नीट को लेकर चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और उससे जो लीड मिली है, जो लोग पहले 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें आयुष नाम का एक परीक्षार्थी है, उससे पूछताछ में कई तरह की बातें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर उसने ये कहा था कि पूछताछ में कि उसके साथ 30 से 35 लड़के मौजूद थे, जहां पर उनको एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया और जब वो एग्जाम में पहुंचे तो वही हूबहू प्रश्न पत्र था, जिसकी जांच अभी आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। तो वहीं एक सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों का रोल कोड मिला था, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी 9 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एनटीए से जैसी जानकारी आई है, उनके कहाँ के रहने वाले हैं, उनका रोल कोड और ही उनके परिवार के लोगों की जानकारी मिली है, उसके बाद से उनको नोटिस दिया गया है और परिवार उनके गार्जियन के साथ
परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साफ तौर पर आर्थिक अपराध इकाई यह मानती है कि अगर इनसे पूछताछ हुई और ये लोग सही जानकारी दिए तो आने वाले दिनों में कोई और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इन छात्रों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, एंसर सीट उपलब्ध कराए गए, उनको रात भर रटवाया गया और सुबह में जो सॉल्वर गैंग के लोग थे वो खुद अपने हाथों से सेंटर पर ले जाके उनको छोड़े और जैसे ही परीक्षा खत्म हो गई उसके बाद से वो लोग निकल गए और एक परीक्षार्थियों से किसी से 30 लाख 40 लाख 50 लाख यहाँ तक कि 60 से 70 लाख रुपए भी तय किए गए थे। तो आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जाँच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि एनटीए से कई सवाल भी पूछे गए हैं आर्थिक अपराध इकाई की ओर से। अगर वहां से सही जानकारी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और इसका किंगपिन कौन है वहां तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो खबर बिहार से निकलकर जरूर सामने आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीड हो सकता है। चंद्रमोहन आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे स्टूडेंट्स ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट का आदेश मान्य होगा। आपका व्यक्तिगत क्या इशू था? हमारे 627 मार्क्स हैं तो हम चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे आ गए हैं तो वो लोगों को निकाला जाए कैसे ना कैसे। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को हम मतलब देखते हैं क्या निर्णय आता है। उन्होंने बोला है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा रीनेट के ऊपर वही सबको मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हम उससे ठीक है, हम उसे मान्य करते हैं। और लेकिन और जो जितने भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एनटीए के खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी चीज़ इस जो भी पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, दोषी जो होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।